दोस्तों आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल है तो तीखा चटपटा यमी खाना तो बनता है। तो आज की रेसिपी है समोसा चाट की। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीठी चटनी बनाएंगे। तो मैंने एक पैन में 250 से 250 ml पानी ले लिया है। उसमें मैंने इस स्पून से एक स्पून इमली का पेस्ट डाल दिया है। ये 100 ग्राम गुड़ है, ये मैंने डाल दिया है। जब गुड़ एकदम पिघल जाए तब आपको ये एक चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के आपको मिक्स कर देना है और ये हम इसमें डाल देंगे। इससे ये इसको थिकनेस आएगी, ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब इसे हम। अब हम ये देखिए गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, जिससे कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब हम इसे 5 मिनट तक उबालेंगे और ये देखिए बनके तैयार है हमारी मीठी चटनी। तो बढ़ते हैं आगे की प्रिपरेशन की तरफ। अब हम बनाएंगे हरी वाली चटनी। तो मैंने छोटी कटोरी से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं और सेम उतना ही आपको धनिया पत्ता ले लेना है, हरा धनिया, क्योंकि हरी चटनी स्पाइसी होती है बहुत। तो इसमें हम ढेर सारा हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 10 से 12 हरी मिर्च डाल दी है। एक टमाटर डाल देंगे रफली कट किया हुआ। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये देखिए हमारी हरी चटनी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। अब बढ़ते हैं आगे की प्रिपरेशन की तरफ। अब खट्टी वाली तीखी हरी चटनी मैं बनाने वाला हूं। तो जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था सेम वही पेस्ट आपको इस बाउल में 3 चम्मच डाल देना है। 150 ml के लगभग मैंने पानी डाल दिया है इसमें। चाट मसाला आधा चम्मच आपको डाल देना है। आमचूर पाउडर आधा चम्मच। ये इमली का पेस्ट है, ये 3 से 4 चम्मच डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, काला नमक थोड़ा सा डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस पानी का जो हरी खट्टी वाली जो पानी है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा समोसा चाट में। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की प्रिपरेशन की तरफ। तो अब छोलों की बारी है। तो ये मैंने सूखे मटर वाले छोले हैं जिसे 8 घंटे भिगो लिया था मैंने और इसे मैंने उबाल लिया है। अब मैंने 1 चम्मच तेल में इसे डाल दिया है छोलों को। इसमें आलू डाल देने हैं 2 से 3 आपको उबले हुए मैश करके। नमक थोड़ा ही, ना कम ही नमक डालना है क्योंकि चटनियों में बहुत नमक होता है। और ये डाल दिया मैंने गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तीखी वाली जो खट्टी हरी पानी हमने जो बनाया था वो डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए मैंने 10 मिनट इसे पकाया है और ये छोले भी हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए हमारी चाट की, समोसा चाट की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो बना लेते हैं अब समोसा चाट। तो ये मैंने समोसा ले लिया है। अगर आपने मेरी समोसे की रेसिपी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप समोसा की रेसिपी देख सकते हैं। तो एक समोसा तोड़ लिया है, उसके ऊपर आपको ये छोले डाल देने हैं। अब हम इस पे डालेंगे ये जो हमने पानी बनाया था तीखे वाली हरी पानी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पानी डाल सकते हैं कम या ज्यादा। हरी चटनी डाल देंगे इसके ऊपर। अब ये इमली का पानी है, एकदम नॉर्मल इमली का पानी है, इमली का जो भिगो के और जो पानी बचता है वो पानी है, वो डाल दिया है मैंने। मीठी चटनी डाल दे दी है आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। दही अब हम डाल देंगे, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज्यादा। अब हम इस पे डालेंगे बारीक सेव। ये मैंने बाजार से मंगाई है, मैंने कोई घर में नहीं बनाया, आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगी बारीक वाली सेव। अब ऊपर से थोड़ा सा और दही डाल दूंगा मैं। अब इस पे मैं ये जीरा पाउडर है ये डाल दूंगा। ये काला नमक है ये थोड़ा सा छिड़क देंगे। प्याज डाल देंगे, प्याज थोड़े महंगे हैं बट बिना प्याज की चाट तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। टमाटर डाल देना है आपको थोड़ा सा।
और ये अनारदाना, अनारदाना डाल देंगे थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है अनारदाना, अगर आपको मिले तो डालिए वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजिए, बनके तैयार है समोसा चाट। सेम रेसिपी आप आलू चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू की जो टिक्की बना के सेम रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप अपने घरों में इसे एक बार जरूर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बनाते रहिए और खिलाते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।